छोटे भाई कैसा लगा मेला आपको? अरे इतना मजा आया मतलब मेले में, हाँ कई मजा आ गया मतलब। और भीड़ कैसी लगी आपको? घुसने के लिए जगह नहीं है, सांस लेने के लिए जगह नहीं है। आप कह रहे हो कि भीड़ कैसी लगी? जो ये भीड़ हुई वो क्यों हुई ये बताइए पहले। ऐसा हो गया मतलब 2 साल से मेला नहीं लग रहा है ना इधर, हाँ तो उससे शायद भीड़ ज़्यादा आ रही है। हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है क्योंकि पिछले 2 साल से जो गैप था, 1 साल तो गैप था और 1 साल खाली मतलब डोला उठा था ना, इस वजह से भीड़ नहीं थी। तो मज़ा आया फिर आपको? बहुत मज़ा आया। रंगत आई, क्या क्या लिया आपने? क्या लिया बच्चों के लिए? आपने घड़ी ली? घड़ी कौन सी ली? दिखाइए। अभी वाले घड़ी लिए? और ये तो यार लगभग लगभग मेरे को लग रहा है 2-2.5 हज़ार रुपये की होगी। हाँ 2.5 हज़ार की है। अच्छा आया मज़ा? अरे बहुत मज़ा आता है। अगले साल भी आओगे? अगले साल भी आ रहे, जब जब रहेगा तब तब पहुँचेंगे। चौपकिया मेला जो रियासी गांव में चौमू बाबा के मंदिर में लगता है प्रत्येक वर्ष, बट इस बार भीड़ की वजह मेरे हिसाब से, मेरा पर्सनली सोचना ये है दोस्तों कि जो भीड़ लगी है वो इसलिए लगी है क्योंकि 1-1.5 साल में जो भाई कैप रहा मेले का, तो श्रद्धालुओं के मन में ये था कि भाई इस बार हम जाएंगे और चौमू बाबा के दर्शन करेंगे, तो उसकी कृपा बनी रहेगी। हम भी यही प्रार्थना करते हैं कि आने वाले समय में दुनिया में जो भी नेगेटिविटी है, जो भी ये कोरोना वायरस है, या जो भी दुखी, या जो भी भाई जिनके बिजनेस ठप हो चुके हैं इस कोरोना काल में, जो रोड पे आ चुके हैं, तो चौमू बाबा की कृपा स्पेशली उन पर बनी रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, ऑल का ऑप्शन संपूर्ण रूप से दबाइए, और बेहतरीन वीडियो मैं आप तक तभी पहुंचा पाऊंगा जब आपका आशीर्वाद और आपका प्यार सब्सक्राइब के रूप में तो मुझे हमेशा मिलता रहेगा। सो रखिए अपना ख्याल, मिलते हैं ऐसे किसी खूबसूरत व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।